तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये बात है 1956 की, पाकिस्तान आज़ाद होने के कुछ टाइम बाद ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसने डिसाइड किया कि एक प्राइवेट टीवी चैनल को बनाया जाए, एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी खोली जाए, क्योंकि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी या कोई प्राइवेट टीवी चैनल नहीं था। तो विद द हेल्प ऑफ एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट सैयद वाजिद अली, इस आइडिया को तरतीब देने के लिए सैयद वाजिद अली को कोलेबोरेशन के साथ 1961 में इस आइडिया पर इम्प्लीमेंट किया गया और एक फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पाकिस्तान में तरतीब दी गई विद द हेल्प ऑफ NEC जापान, निपॉन इलेक्ट्रिक जापान एंड थॉमस टेलीविजन इंटरनेशनल UK। आफ्टर दैट 1962 में इसके हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद और लाहौर में खोले गए। जब इस्लामाबाद लाहौर में हेडक्वार्टर्स खोले गए विद द हेल्प ऑफ उबैदुर रहमान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान, विद द हेल्प ऑफ उबैदुर रहमान सैयद वाजिद अली ने इस आइडिया को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया 1961 में। उसके बाद जब हेडक्वार्टर्स खोले गए तो ऑब्वियसली सी बात है, उसकी चीज़ों को मैनेज करना और वहाँ के इंतजामात को देखना, वहाँ के स्टाफ को देखना, उसके लिए भी कोई ना कोई बंदा दरकार था। तो फिर हायर किया गया असलम अजहर को। असलम अजहर इज कॉल्ड फादर ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। तो ये सिलसिला फिर चलता रहा 1964 में जो फर्स्ट एवर ट्रांसमिशन पाकिस्तान ने ब्रॉडकास्ट की वो थी एक न्यूज, जो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट टीवी चैनल जो है उस वक्त वजूद में आया था। बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट के हवाले से। अगर हम पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट के ऊपर रिव्यू करें, बात करें, तो 1960s के अंदर जब पाकिस्तान टेलीविजन ने अपना सफ़र शुरू किया तो सबसे पहले जो ड्रामा टेलीकास्ट हुआ वो था तालीम बाल खान। उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, उसके बाद अलिफ नून और आगे चल के 1980s की दिहाई में तन्हाइयाँ, उसके बाद धुआं, अनकही और बेशुमार बेतहाशा अच्छे से अच्छे और बेहतरीन ड्रामा सीरियल्स पाकिस्तान टेलीविज़न टेलीकास्ट करता रहा और अपने नाज़रीन को महजूज़ करवाता रहा अपने बेहतरीन कंटेंट से, जिसका और पाकिस्तानी टेलीविज़न की जो गूंज थी वो पूरी दुनिया में फैलने शुरू हो गई और पूरी दुनिया में उसका डंका बजना शुरू हो गया कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो गूंज थी वो सरहद पार भी गई और इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्निशन मिली पाकिस्तानी ड्रामास को, जस्ट बिकॉज ये जो बहुत सारे ड्रामास पाकिस्तान ने टेलीकास्ट किए 1960s के अंदर 1990s तक, जिसमें धुआं भी शामिल है, बहुत फेमस ड्रामा है जो 1990s में टेलीकास्ट हुआ, अल्फा ब्रावो चार्ली था, प्लस सोना चांदी जैसा ड्रामा जो 1980s की दिहाई में आंगन टेढ़ा और आँच और शाशलिक कॉलेज जीन्स, ये 1990s तक की दिहाई में बहुत बेहतरीन किस्म का कंटेंट पाकिस्तान टेलीविज़न ने दिया। वो जब ये ड्रामास टेलीकास्ट हुआ करते थे 1990s में 1980s में तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, ख़ासतौर पर वारिस ड्रामा, अनकही, तन्हाइयाँ, ये वाले जो ड्रामेस थे वो इतने पॉपुलर हो चुके थे लोगों में कि लोग बिल्कुल इनके पीछे दीवाने थे। और कंटेंट PTV ने ऐसा प्रोड्यूस किया जो कि बहुत ही आला था और दिलों को महजूज कर दिया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी, कंटेंट राइटिंग एक्सेलेंट हुआ करती थी, डायरेक्शन बहुत मजबूत और ज़बरदस्त हुआ करती थी जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन डायरेक्टर्स ने अपना रोल प्ले किया और बेहतरीन से बेहतरीन राइटर्स ने जो है वो ड्रामास लिखे। कि अगर मैं राइटर्स की बात करूं तो उसमें फातिमा सुरैया बजिया, अशफाक अहमद, इन लोगों ने बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटिंग दी, अच्छी राइटिंग दी, अच्छी स्टोरीज दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक पज़ीराई मिली, इंटरनेशनली उन ड्रामास को पहचाने जाना गया।
तो ये तो एक जर्नी थी जो पाकिस्तान टेलीविजन ने किस तरह से ग्रो किया और किस तरह से अपने सफर को जारी और सारी रखा। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। अगर मैं कंटेंट के बारे में ये कहूँ कि इसने दुनिया में अपनी धाक नहीं बिठाई पाकिस्तानी टीवी ड्रामास ने, तो मैं बहुत ही गलत हूँ। तो दोस्तों, 1956 की दिहाई में, 1950s की दिहाई में, 1960s की दिहाई में था जिसने टेलीविजन की नशरियात का जो आगाज हमारा तो किया। टॉप नॉच पाकिस्तान की ड्रामा आजादी था के 17 वो था साल तालीम इकबाल खान। एंड देन इन 1963 खुदा की बस्ती द फर्स्ट एवर हिट ड्रामा वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें नन अदर देन बहरू सब्जवारी जो है उन्होंने लीड किरदार अदा किया था। उसके बाद जब सिलसिला आगे चलता रहा और पाकिस्तान 1970s के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया, अलिफ नून नामी एक ड्रामा, और इस कंटेंट की गूंज शरद पार भी हुई। इंटरनेशनली भी लोगों ने, जो पाकिस्तानी वहां पर बैठे हुए थे, जो कि उन्होंने इस कंटेंट को बहुत पसंद किया। अगर मैं इस दौर के सफे अव्वल के राइटर्स की बात करूं तो इसमें उमैरा अहमद, जफर मेराज और मुस्तफ़ा अफरीदी जैसे सफ़े अव्वल के राइटर्स शामिल हैं, जिन्हें ना सिर्फ के बेहतरीन कंटेंट भी लिखा और स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी ज़बरदस्त जिसकी वजह से क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस हुआ। 90s की दिहाई में भी अगर बात करें तो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें फैमिली फ्रंट, शाशलिक की किस्त का और इस तरह के एपिसोड बहुत सारे दिल महजूज करने देने वाले सीरियल्स को टेलीकास्ट जुलाई 1977 किया को शुरू की गई और गया। लेकिन वो दिसंबर दौर था जब 1979 तक चूंकि वैरायटी बिल्कुल भी नहीं थी पाकिस्तान चैनल्स की और सिर्फ एक को इंडिविजुअली हैरान कौन सफर पीटीवी था। ही था, आखिर और साथ उसके टेलीविजन कुछ का प्राइवेट टीवी आगाज चैनल्स कैसे स्टार्ट हुआ हुए और थे किस तरह जो कि एसटीएन था, एनटीएम था। इसी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग की तरफ जाने लगा। वही वो एक दौर था कि जिसमें पीटीवी ड्रामास लोगों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मकबूलियत खोलते जा रहे थे, और नाज़रीन की अटेंशन जो है वो सरहद पार ड्रामास के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया था और ज़्यादा देखे जा रहे थे सरहद पार के जो ड्रामास थे। तो अल्टीमेटली एक नया बाब शुरू हुआ पाकिस्तानी दौर में, पाकिस्तानी टेलीविजन के दौर में, जिसके अंदर नए प्राइवेट टीवी चैनल्स ने कदम रखा, जिसमें जियो, हम, एआरवाई का जो सर फहरिस्त है, इन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शंस के थ्रू बहुत बेहतरीन कंटेंट और बहुत बेहतरीन ड्रामास आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से इंजेक्ट करने शुरू किए मीडिया इंडस्ट्री में, जो कि गाहे बगाहे टेलीविजन नाज़रीन को पसंद आने लगे। इसमें सफ़े अव्वल के सीरियल्स का अगर मैं बात करूं तो उसमें जिंदगी गुलजार है, हम सफ़र और भी बहुत सारे, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा, शहरज़ाद, सदके तुम्हारे, इस तरह के बहुत सारे सीरियल्स 2003 की दिहाई में से लेकर के सिलसिला शुरू होता गया इन ड्रामास का। आहिस्ता आहिस्ता ड्रामास जो है फिर दोबारा मकबूलियत पाने लगे, पाकिस्तानी ड्रामास, और राइटर्स की मदद से, अच्छे अच्छे राइटर्स की मदद से, जिसमें सर फहरिस्त हुमैरा अहमद हैं, जफर महराज हैं, इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स प्रोड्यूस हुए जिन्होंने अपनी धाक बिठा दी टीवी नाज़रीन पर, और दुनिया ने पसंद करना शुरू किया दोबारा से पाकिस्तानी ड्रामास को, और ग्लोबल रिकग्निशन मिली जो कि पहले भी थी लेकिन थोड़ी डिक्लाइनिंग फेज की तरफ गई, लेकिन दोबारा से अपने ट्रैक पर आ गए। तो इसी तरह से पाकिस्तानी ड्रामास आज भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट राइटिंग, अच्छी एक्टिंग की वजह से। दो के आई थिंक स्क्रिप्ट राइटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। फिर भी अगर आप स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से देखें, कंटेंट के हवाले से देखें, तो वो ऐसा कंटेंट है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तानी ड्रामा से। इसकी वजह से आप और हम सभी फैन हो चुके हैं पाकिस्तानी ड्रामास के, और इस तरह से ये नाज़रीन के दिलों पे राज कर रहे हैं आज भी। तो
थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं 2000 की दिहाई में, और अच्छे से अच्छे सीरियल्स जो है वो टेलीकास्ट हुए, जिसमें फितूर था, डंक था, चीख ड्रामा था, सिलसिला जारी और सारी है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इसी तरह से अपने नाज़रीन को महजूज़ करते रहेंगे अपने अच्छे से कॉन्टेंट से। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।